वेलकम बैक टू टच प्लस। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूरेका फोर्ब्स के बारे में। आपकी चहेती आपके घर घर में लगे वाटर प्यूरिफायर और भी डिस्पेंसर्स की मेजर मैन्युफैक्चरर जिसे बच्चा बच्चा जानता है वो यूरेका फोर्ब्स अब आपकी नहीं रही यूरेका फोर्ब्स। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि यूरेका फोर्ब्स अब यूरेका फोर्ब्स जिस ग्रुप से बिलोंग करती है पलोंजी ग्रुप, उस ग्रुप की नहीं रही। यूरेका फोर्ब्स जो घर घर की किचन में घर घर के वाटर प्यूरिफायर में अपना जगह बना रखा है कई वर्षों से, वो यूरेका फोर्ब्स अब पलोंजी ग्रुप से बाहर हो चुकी है। पलोंजी ग्रुप ने उसे विदाई देने का फैसला कर लिया है। चलिए मैं इस पहलियों को सुलझा ही देता हूं ताकि आपको कोई जोर ना डालना पड़े अपने दिमाग पे। यूरेका फोर्ब्स को एडवेंट इंटरनेशनल ने 4400 करोड़ में टेक ओवर करने का दोनों कंपनियों ने मिलकर संडे को ऐलान कर दिया है। इसमें आगे फर्दर कैसे क्या क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उस बीच मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको हमारे चैनल से प्यार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज बात करते हैं आगे यूरेका फोर्ब्स के फ्यूचर और प्लान्स और जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है या हो रहा है उसके बारे में। तो पलोंजी ग्रुप जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी यूरेका फोर्ब्स थी, जिसे पलोंजी ग्रुप ने एडवेंट इंटरनेशनल को 4400 करोड़ में दे देने का ज्वाइंटली ऐलान कर दिया है। ये ऐलान संडे को हुआ है और ये इस तरह से, मैं आपको जो फर्दर बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये इस तरह से पलोंजी ग्रुप इसको हैंड ओवर करेगी अनदर एडवेंट इंटरनेशनल को। सबसे पहले यूरेका फोर्ब्स को उसकी पैरेंट कंपनी से अलग किया जाएगा और लिस्ट किया जाएगा बीएसई पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। बीएसई पर लिस्टिंग के बाद उसके शेयर्स को परचेज करेगी अमेरिकन एडवेंट इंटरनेशनल। अमेरिकन जो कंपनी है एडवेंट इंटरनेशनल, वो उसे उसकी मैक्सिमम स्टेक्स जो है वो परचेज करेगी। ऑलमोस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि 70-72% का शेयर्स एडवेंट इंटरनेशनल 4400 करोड़ में परचेज करेगी। इसके बाद पलोंजी ग्रुप से अलग होने के बाद एडवेंट इंटरनेशनल जब 72% तक का स्टेक्स परचेज कर लेगी तो फिर एडवेंट इंटरनेशनल एज पर कंप्लायंस, एज पर रूल्स, वो अपने इस नए वेंचर को जो नया उसका ग्रुप तैयार हो रहा है या नई ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे आगे फर्दर लिस्ट करेगी या उसे कैसे आगे रन ओवर करेगी, ये बाद में वो अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे एडवेंट इंटरनेशनल। लेकिन एडवेंट इंटरनेशनल परचेजिंग के बाद इस पे विचार करेगी कि वो अब इसे फर्दर कैसे शेयर को, स्टेक्स को लिस्ट कराना चाहती है या कैसे फर्दर इस पे काम करना चाहती है। ये एडवेंट इंटरनेशनल का स्टेटमेंट आएगा आफ्टर परचेजिंग द स्टेक्स फ्रॉम सरोंजी पलोंजी ग्रुप। लेकिन इस डील से पलोंजी ग्रुप को काफी फायदा होने वाला है क्योंकि पलोंजी ग्रुप के ऊपर 20,000 करोड़ का ऑलमोस्ट डेप्थ है, 20,000 करोड़ का डेप्थ है, जिसमें उसे इस डील से, इस यूरेका फोर्ब्स के स्टेक्स को एडवेंट इंटरनेशनल को देने से कुछ फंड्स का हेल्प मिलेगा, जिससे कंपनी पलोंजी ग्रुप सर्वाइव करने में अपने आप को कैपेबल फील करेगी। जैसा रिपोर्ट बता रही है, जैसी मुझे जानकारी है, पलोंजी ग्रुप का करीब 10,000 करोड़ का कोविड रिलीफ फंड में, कोविड रिलीफ रिस्ट्रक्चरिंग आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कॉर्पोरेट कोविड रिलेटेड जो रिलीफ मिली है उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग दी गई है 10,000 करोड़ रुपए के लिए। आगे इसके बाद पलोंजी ग्रुप 10,300 करोड़ का फंड रेज करना चाहती है अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके, ताकि उसे जो डेप्थ है उसमें रिलीफ मिले उस फंड्स को जो रेज करना चाहती है मार्केट से। तो इसके फर्दर पलोंजी ग्रुप ने एक और डिसीजन लिया है, वो डिसीजन है कि उसके और भी कई ग्रुप्स कंपनीज हैं उसे भी वो हैंड ओवर या सेल आउट करना चाहती है। इसके बारे में बने रहिए, आप मैं आपको और बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, हमारे चैनल के साथ आप बने हुए हैं, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत थैंक्स है और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारी टीम लगातार कोशिश करती है कि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट अपडेट्स और कॉरपोरेट जगत की सारी जानकारियां आपको दी जाए और कॉरपोरेट जगत के जो अपडेट्स होते हैं आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा जानते हैं। हमारे चैनल की टीम लगातार कोशिश करती है कि आपको कॉरपोरेट जगत की जानकारियां दी जाए। चलिए मैं और आपको पलोंजी ग्रुप के बारे में बता रहा हूं।
पलोंजी ग्रुप अपनी और भी अदर जो कंपनीज है उसे सेल करना चाहती है, जिसमें आती है स्टेरलिंग, एफकॉन कंस्ट्रक्शन और एक सोलर कंपनी है जिसका नाम है विल्सन सोलर। तो इन कंपनियों को भी जो पलोंजी ग्रुप है वो सेल करना चाहती है ताकि अपने डेब्ट को वो रिकवर करके फटाफट से मार्केट में अपना झंडा बनाए रख सके, और इसके लिए अग्रसर है अभी के डेट में पलोंजी ग्रुप। पलोंजी ग्रुप जो एक बहुत ही पुरानी, करीब 150 साल पुरानी कंपनी है पलोंजी ग्रुप, जिसका रिश्ता साइरस मिस्त्री से है, जिस साइरस मिस्त्री को आप जानते हैं जो टाटा ग्रुप के कभी चेयरमैन बनाए गए थे, बाद में टाटा ग्रुप से विवाद हुआ तो साइरस मिस्त्री को रतन टाटा साहब ने किकआउट किया, कई सालों तक विवाद चला कोर्ट में और फाइनली डिसीजन इन द फेवर ऑफ टाटा ग्रुप आया, ये आप सबों को पता है। तो वही साइरस मिस्त्री की ये ग्रुप है पलोंजी ग्रुप। यूरेका फोर्ब्स जिसके 20 मिलियन कस्टमर बेस हैं, आप सोच के बहुत हैरान हो जाएंगे, पलोंजी ग्रुप का कारोबार 20 मिलियन कस्टमर बेस के साथ है, जिसके 450 सिटीज में बिजनेस फैला है, जिसके 20,000 आउटलेट्स हैं पूरे, और 53 देशों में पलोंजी ग्रुप का यूरेका फोर्ब्स कार्यरत है, काम करता है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस बात को रिवील किया है कि इस स्टेक सेलिंग से अपने वो डेप्थ को रिकवर करेंगे। प्राइवेट इक्विटी फॉर्म वाक्स, पैक्सस और इलेक्ट्रोलक्स भी यूरेका फोर्ब्स को एक्वायर करने की रेस में थी, लेकिन इस रेस को जीता पलोंजी ग्रुप से एडवेंट इंटरनेशनल, जो कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन ग्रुप है एडवेंट इंटरनेशनल, उसने इस रेस को जीत लिया और इलेक्ट्रोलक्स और पैक्सस जो कंपनियां थी वो इस रेस से आउट हो चुकी हैं। यूरेका फोर्ब्स एडवेंट की 5वीं एक्विजिशन है इंडिया में। यूरेका फोर्ब्स को एक्विजिशन से पहले एडवेंट इंटरनेशनल ने इंडिया में 5 एक्विजिशन और किए हैं, जिसमें नाम आता है क्रम्पटन ग्रिप्स का, इसके बाद एक और नाम है मुझे देखना पड़ेगा, डिक्सी टेक्सटाइल्स का, दूसरा नाम है इनेमर का जो कि वुमेन्स इनरवेयर ब्रांड है, और DFM फूड्स का जो प्रोड्यूसर है पैकेज सेवियर स्नैक्स की। तो इन ग्रुप्स को, इन कंपनीज में भी जो एडवेंट इंटरनेशनल है उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और एक्विजिशन की हुई है इन कंपनीज के भी। तो आने वाले दिनों में यूरेका फोर्ब्स एक नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ मार्केट में दिखने वाला है, इससे कहीं से कोई डिनाई नहीं की जा सकती अब बातें। तो आपका यूरेका फोर्ब्स अब एडवेंट इंटरनेशनल के हाथों में है, ये मुझे आपको पूरी तरह से रिवील कर देना था जो मैंने कर दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा इनोवेटिव वीडियो जरूर डिजाइन कर लेंगे। टेक केयर।